नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। लॉकडाउन 4 की अवधि चल रही है। प्रशासन द्वारा जनता को आने जाने तथा दुकानदारों को काफी रियायतें दी गई हैं। साथ ही यह स्पष्ट भी किया गया है कि अनावश्यक रूप से लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। यदि आवश्यक कार्य के लिए आना पड़ रहा है तो मास्क का पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरह से पालना करनी होगी। लेकिन लगता यह है कि करनाल के लोग कोरोना वायरस संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे। करनाल की सड़कों पर पहले की तरह वाहनों का जमावड़ा है। वाहनों की आवाजाही से लॉकडाउन 1 के दौरान जो आबो हवा साफ हो गई थी, अब वह फिर से प्रदूषित होने लगी है। सड़कों पर इतनी अधिक संख्या में वाहन चल रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। करनाल प्रशासन तथा करनाल पुलिस लगातार जनता को आगाह कर रही है कि वह नियमों का पालन करे, लेकिन करनाल की सड़कों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ने किसी भी आदेश की कोई भी परवाह नहीं है और ना ही बीमारी का कोई डर है। कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी दिखाई दी तो कई वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारियां बैठी भी दिखाई दी। ऐसे में कुछ लोग प्रशासन द्वारा की जा रही पिछले 50 दिनों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी दुकानदारी से मतलब है, ना तो उन्हें अपनी चिंता है और ना ही ग्राहकों के स्वास्थ्य की चिंता है। जबकि प्रशासन यह कह चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा अब उसके हाथ में है, नियमों की पालना से बीमारी की चैन को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप देख रहे हैं इस समय समाचार एक्सप्रेस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉकडाउन 4 की अवधि स्टार्ट है। हालांकि लॉकडाउन को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और लगातार लोगों की सुविधाओं के लिए रियायतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि कहीं यह रियायतें लोगों के लिए भारी ना पड़ जाएं, प्रशासन के लिए परेशानी का सबब ना बन जाएं। क्योंकि लॉकडाउन के पहले चरण में जब सरकार ने लॉकडाउन का पहला चरण किया था तब सड़कों पर सन्नाटा था, लोगों की आवाज़ें बिल्कुल शून्य के बराबर थी, नगण्य के बराबर थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 चल पड़ा है, उसके चलते चलते ही सब आप देख सकते हैं किस तरह से बाजारों में वाहनों की संख्या अधिक से अधिक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो 2-व्हीलर हैं, 4-व्हीलर हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, जबकि प्रशासन ने कहा था कि यदि आवश्यक हो तो ही अपने कामों के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन लगता है कि लोगों ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं किस तरह से। लेकिन जहाँ मेरा फिर यही सवाल है कि क्या करनाल की जनता इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले पा रही। आपको यहाँ पर ये भी दिखाना चाहेंगे हम आपको, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ का पालन नहीं किया जा रहा। दुकानों पर रश है, जो ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुली हैं उन दुकानों पर रश है, लेकिन एक ही दुकान पर 5-5, 6-6 कस्टमर हैं और दुकानदार द्वारा भी उनको किसी तरह का बताया नहीं जा रहा कि अब किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना। मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँ, मेरे पीछे एक दुकान है जिसका आप देख सकते हैं किस तरह से रश बरकरार है, लेकिन दुकानदार द्वारा उनको नहीं चेताया जा रहा कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ताकि आप चले। देखिए, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी बाजारों में आए हुए हैं, इन बच्चों ने मास्क जरूर डाला है लेकिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा। एक ही दुकान पर 8 से 10 ग्राहक खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पीछे अब आप दोबारा से देख सकते हैं किस तरह से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, वाहनों का काफिला जा रही है, देख सकते हैं। अब ये देखिए, कैमरे को देखते ही ग्राहकों को इधर उधर करने का, ये देखिए कैमरे को देखते ही ग्राहकों को इधर उधर किया जा रहा है। लेकिन क्या ये पहले नहीं सोच सकते, क्या इनके जहन में पहले ये बात नहीं आती कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन दुकानदारी है, कीजिए, लेकिन अपने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आप ये देख सकते हैं किस तरह से वाहनों का आना जाना बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है, किस तरह से आ जा रहे हैं। इस समय दोपहर के लगभग 11:30-12 बजे का टाइम है और इस समय में अब प्रशासन ने समय बढ़ा दिया है, 9 से 5 का समय है, शायद इसको 1 घंटा और बढ़ाया जाएगा, व्यापारियों का आह्वान था। लेकिन वाहनों की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि अभी बीमारी का खतरा बिल्कुल भी टला नहीं है। सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, लेकिन जनता गंभीर नहीं है। इसके बारे में क्या हम कहेंगे और क्या हम किसे पूछेंगे, हम लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। ये देखिए किस तरह से वाहन आ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे। एक बार फिर उसी गली के अंदर किस तरह से दुकानों पर भारी भीड़ है। हटाया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, कहीं ना कहीं करनाल में अगर प्रशासन जाँच करे तो कहीं ना कहीं ओड इवन की उल्लंघना भी हो रही है शहर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुड़ मंडी करनाल का दृश्य, आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ जुटी है, किस तरह से लोगों का आवागमन जारी है। आवागमन जरूरी भी है, काम धंधे भी चलाने चाहिए, लेकिन
अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखें। प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और कोरोना जैसी बीमारी के साथ साथ जीने को सीख लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता इस बीमारी को लेकर गंभीर है। इससे पहले भी हम आपको कई बार दिखा चुके हैं किस तरह से करनाल की गुड़मंडी में सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और अल सुबह ही जब लॉकडाउन का तीसरा चरण था और उसमें सुबह 9 बजे दुकानें खुलने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर 5:30-6 बजे ही दुकानों को खोल दिया जाता था। हमने आपको एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सारा दिखाया था किस तरह 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में दुकानदारों द्वारा पूरी ग्राहकी की जाती है। ग्राहक भी आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरे सामने, और मेरे साथ कैमरा पर्सन है, वो आपको बिल्कुल दिखाएंगे किस तरह से दुकानों के बाहर भीड़ जुटी है। इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि सोशल डिस्टेंस क्या है, इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि मास्क क्या है, इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है। लेकिन अगर इनको ज़रूरत है तो सिर्फ अपने धंधे की। लेकिन वे फिर हम समाचार एक्सप्रेस की तरफ से इनसे अपील करना चाहें, काम धंधा ज़रूरी है लेकिन इस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य पर पलीता लगे। आप देख सकते हैं इस दुकान का दृश्य देख सकते हैं, एक छोटी सी दुकान के अंदर 4 कस्टमर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए बिना ही खड़े हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इन्होंने मना कर दिया था बात करने के लिए भी, लेकिन तब भी हम दोबारा से प्रयास करते हैं इनसे बात करने का। हाँ जी सर, आप अपने दुकान पर सोशल डिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं? बस यही कर रहे हैं जी, ग्राहक को एक एक करके अटेंड कर रहे हैं। अभी आपकी दुकान पर तो 4 ग्राहक सर जी, ऐसे एक के साथ एक तो होता ही है। जितनी कभी इनको बताने का प्रयास नहीं करते? बहुत करते हैं जी, गा के मार को तंग करता, क्या करे, कहते हैं नीचे उतर जाओ फिर सर पे चढ़ जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या सर? यशपाल जी। ये यशपाल जी थे, इनका ये कहना कि ये तो समझ रहे हैं इस बीमारी को ग्राहकों को, लेकिन ग्राहक नहीं समझ रहे। ग्राहकों को कैसे समझाया जाएगा इसके बारे में? सर आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बीमारी तो जो है बिल्कुल भयंकर है और सबके लिए इसके परिणाम भुगतने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। लेकिन अब जो मजबूरियां हैं गरीब आदमी के लिए, चाहे वो रेड़ी वाले हैं, चाहे वो फड़ी वाले हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, आज 50 दिन हो गए हैं जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे मीडियाकर्मी हैं, इन्होंने जागरूक करने में पूरे हिंदुस्तान में अपनी तरफ से पूरे अपने एफर्ट्स किए हैं भी लोग जागरूक हों, लेकिन काफ़ी हद तक लोग समझ भी चुके हैं। सर आपको नहीं लगता कि लोगों की ये लापरवाही भारी पड़ सकती है उनके ऊपर भी? सर ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि मेन ये दिक्कत है कि इस बीमारी के प्रति जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि जो प्रशासन जो है पिछले 50 दिनों से लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है, समाज सेवी संस्थाएँ लगी हुई हैं, हर टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में या मतलब हम ये सोचें कि प्रशासन के जो निर्देश उनको पलीता लगाया जा रहा है? नहीं नहीं तरुण जी, ऐसी बात नहीं है। देखो प्रशासन के पलीता नहीं लगाया जा रहा, लेकिन लोगों की मजबूरियां हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की फीसें भरनी है, घर के बिजली के बिल भरने हैं, जिनके पास आजीविका चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो इस टाइम बाजारों में आकर अपने कोई 200-400 रुपये जोड़ने की कवायद के अंदर इन बाजारों में आए हुए हैं कि हमें 200-400 रुपये कमाएं और अपने घर जाएं। लेकिन अब उस बीमारी को देखते हुए, हालांकि सरकार ये कहती है अपनी जान बचाएं, जान है तो जहान है, लेकिन अब दोनों तरफ देखें, कल हम व्यापार मंडल के सभी लोग गए हैं, अभी तो कई व्यापारी जैसे सरकार की तरफ से टाइम हुआ था भी बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि ये टाइम अभी ना बढ़ाया जाए, इसको 8 से 2 ही करा जाए, भी कस्टमर जल्दी आए और जल्दी सामान लेके अपने घर की तरफ चला जाए। सर ये सज्जन थे हमारे साथ, इनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी उन्हें मजबूरन घर से बाहर आने को आतुर कर रही हैं, लेकिन इन्होंने साथ में यह भी कहा कि जान है तो जहान है, प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन के निर्देशों को पलीता नहीं लग रहा इनका ये कहना है, लेकिन लोगों अपनी आजीविका चलाने के लिए और 2-4 पैसे इकट्ठे करने के लिए ताकि उनके घर का खर्च चल सके, वह बाजारों की ओर आ रहे हैं तो ही दुकानदार का खर्च चलेगा, घर चल पाएगा तो ही उनका चल पाएगा। लेकिन मैं बार बार फिर भी अपील यही करना चाहूँगा कि जितना हो सके समझदारी से काम लें, निर्देशों की पालना करें, नियमों के हिसाब से दुकानों को खोले बढ़ाएं, नियमों के हिसाब से ही ग्राहकों को अटेंड करें। सारे शहर को कंट्रोल में रखे है, जगह जगह ट्रैफिक लगी है, रेड पीसीआर घूम रही है, हर जवान को हर इंसान को बताया जा रहा है भाई आप बीमारी से बचिए, सेफ रहिए, सुरक्षा ही सुरक्षा है। घंटाघर पे भीड़ नहीं होने दिए, ज्यादा भीड़ होगी तो बीमारी फैलेगी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। एक
ये थे हमारे साथ एक पुलिस को जवान, जो इनका जिनका ये कहना है कि आपकी सुरक्षा अपने ही हाथ में है, भीड़ को मत होने दो, एकत्रित मत होने दो, वाहनों को ज्यादा घर से जरूरत हो तो ही लेकर निकले, अन्यथा ना निकले, आवश्यक मत एक जगह इकट्ठे मत हो। ये पुलिस जवान है जो दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि जगह जगह पुलिस बल तैनात है, जगह जगह लोगों को एडवाइस किया जा रहा है, एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए, गाइडलाइंस उनको बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बावजूद इसके करनाल की जनता इस स्थिति को लेकर गंभीर मुझे लग नहीं नजर आ रही। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।